गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज आपका एडवांस फार्मा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा लगातार टॉपिक पे चल रहा था, जिसमें हम आज फिर नए टॉपिक पे बात करते हैं, इंक्रीज द ब्लड फ्लो के बारे में। इंक्रीज द ब्लड फ्लो, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इसी में ही एक हमारा क्वेश्चन छुपा हुआ है कि हमारा टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर और सूजन ओडिमा क्यों हो जाती है। दोस्तों, हमने ये जान में जब कोई लोकल एरिया पे जब हमारे कहीं डैमेज हो जाता है या फिर कहीं से चोट लग जाती है, चोट लगने के वजह से उस जगह पर क्या होता है कि लोकल जो कैपिलरीज होती है, यानी कि जिस लोकल नसें होती हैं, पहले एक बहुत बड़ी नस होती है, उसके बाद छोटी छोटी जो नसें होती हैं, उस नसों में जब कहीं पे भी चोट लग जाने की वजह से वो छोटी छोटी नसें जो होती हैं वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन नाम के जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, इनका काम क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई भी जगह, इस एक जगह पे जाकर जैसे ही वो इकट्ठा होते हैं लोकल एरिया पे, और जिस कहीं से बाहर से भी कुछ बड़ी नलियों से भी कुछ ब्लड आता है हमारे उस लोकल पार्टर पे, क्या होता है कि वहाँ पे जब ये इकट्ठा होने लगते हैं तो वहाँ पे सूजन बनने लगती है। तो जो कहीं भी कभी भी देखा होगा, सूजन जब होती है तो वहाँ पे हमारे शरीर में इसीलिए सूजन हो जाती है क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है और बाहर से भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा सूजन हो जाती है। और जब जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये जो होते हैं, जो भी इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम होता है वहाँ पर से। जैसे ही वो उस चीज़ को सप्लाई, एक टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो कभी देखा होगा कि आपने चोट अगर लग जाती है तो हमें बुखार भी आ जाता है, साथ में दर्द भी हो जाती है, यानी सूजन भी होती है। तो ये हमारा इसीलिए होता है क्योंकि इंक्रीज ऑफ द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का जब प्रवाह जो अधिक तेज होने लगता है, इसीलिए ब्लड प्रवाह तेज होता है और वहीं पर सूजन होने लगती है। जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इसका काम क्या होता है, जब इंक्रीज ऑफ द ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो का प्रवाह तेज बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर दबाव होने लगता है, दबाव होने की वजह से वहाँ पर सूजन आने लगती है। और सूजन आने के बाद में एक और टॉपिक हमारा जुड़ जाता है, उसमें क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं सूजन के साथ साथ में कहीं ना कहीं हमको देखते हैं कि अगर कहीं चोट लगी हमें, चोट लगने के बाद या स्वतः कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में, तो ब्लीडिंग होने के बाद देखते हैं 2 से 4 से 5 मिनट बाद ब्लीडिंग अपने आप स्वतः बंद हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वहाँ पर कुछ फिब्रिनोजन होने लगता है। फिब्रिनोजन क्या होता है? फिब्रिनोजन यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि कुछ प्लाज्मा के कण आते हैं, या तो जब प्लाज्मा प्रोटीन आती है वहाँ से फिब्रिनोजन बनाने लगते हैं। फिब्रिनोजन या थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होने लगता है, और इस ही पूरी प्रोसेस को हम फिब्रिनोजन कहते हैं। जो फिब्रिनोजन होता है, जिसकी वजह से, फिब्रिनोजन को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई जाली जो है, या बोले तो जैसे पट्टी होती है, ड्रेसिंग वाली पट्टी होती है, उसमें जाली टाइप की होती है, वो क्या करते हैं उसको इसीलिए बांध दिया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ से वो जाली का काम करती है उसी में जाकर के फिब्रिन नाम के फिब्रिनोजन होने लगता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होने लगती है। और जैसे ही बांधते हैं तो वो वहाँ से ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड का जो कोगुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर देखते हैं थोड़ी देर बाद, 10 से 5 मिनट बाद ब्लड का फ्लो, ब्लड जो होता है वो जैसे बह रहा होता है, बाहर निकल रहा हो तो उसको रोक लेता है। तो ये जो प्लस फ्लूड फॉर्मेशन, ये फ्लड फॉर्मेशन दोनों एक साथ कंबाइंड कर करके हमें एक साथ में आते हैं, तब हमें जाके फिर हमारा जो जो भी दिक्कत हुई, जैसे मान लो हमें टेम्परेचर बढ़ गया, स्वेलिंग हो गई और साथ में कहीं से कट गया, तो उसको फिब्रिनोजन करने का, जाने के ब्लड कोगुलेशन करने रोकने का भी काम
इसी का होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और सेरोटोनिन और हिस्टामिन का ये बहुत अहम रोल होता है, जिसकी वजह से हम आगे हम अपने शरीर को बचा पाते हैं। और ब्रेडिकनिन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये कंपाउंड है, अगर इन्हीं की वजह से, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। तो हम आज कुछ जानते हैं, कुछ थोड़ा सा। तो जो ब्लड टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है और स्वेलिंग होने का कारण जो बताया मैंने आपको, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। यानी कि जब भी हमारी कोई ब्लड कैपिलरी जो होती है, ब्लड कैपिलरी यहाँ पे टूट जाती है, टूटने के बाद जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया पे क्षतिग्रस्त हुई, तो यहाँ पर पे कोई प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्लस ब्रेडिकिन लेते हैं, हिस्टामिन सेरोटोनिन और ये सारी चीज़ें आकर के इकट्ठी होती हैं। और यहाँ का जो जो नली होती है, पहले नली इतनी होती है, लेकिन जैसे ही ये आती है तो इनका जो जो नली का आकार होता है वो थोड़ा बदल जाता है, यानी कि थोड़ा बढ़ जाता है, तब नली इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे ही आता है तो यहाँ पर नली पे बढ़ के हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से बढ़ जाती है। तो यहाँ का जो इंक्रीज ऑफ द ब्लड फ्लो ये बहुत तेज से बढ़ जाता है। जैसे ही तेज बढ़ेगा तो हमारे शरीर में सूजन आई जाती है, सूजन या बोले तो ओडिमा होती है, और इसलिए सूजन आ जाती है। दूसरी बात, अगर पीजीएस और हिस्टामिन जब आते हैं तो वहाँ पर कुछ हमें ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, जब ये चीज़ आती है तो यहाँ पर जो भी सेल डैमेज होती है या टिश्यू जहाँ पर डैमेज होते हैं, इनको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलता है, तो यहाँ पर बॉडी ऑटोमेटिक अपने टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करती है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री तक होता है तो ये अपने हिसाब से ले जाती है। तो इसको जैसे ही ऑक्सीजन न्यूट्रिशन हमको मिलता है बॉडी में यहाँ पर, तो ये टेम्परेचर अराइज हो जाता है, तो इसलिए फीवर भी आ जाता है। तो फीवर इसलिए आ जाता है और सूजन उजना इसलिए हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, इसकी वजह से सूजन हो जाती है। और फीवर इसलिए होता है कि ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, इसलिए ये सूजन टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो आज हम इसके बाद, ताकि चोट लग जाने के बाद लगने के बाद ब्लड स्वतः बंद क्यों हो जाता है, ब्लड स्वतः क्यों बंद हो जाता है। सो ब्लड स्वतः इसलिए बंद हो जाता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस होती है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन में एक ब्रेडिकिनिन नाम का इंफ्लामेटरी मीडिएटर मीडिएटर जो होता है वो फिब्रिनोजन का काम करता है। जैसे ही फिब्रिनोजन का काम करता है, फिब्रिनोजन में होता क्या है कि जो फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिन फिब्रिन होता है, सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये आकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन फिब्रिन में कन्वर्ट होती है, फिब्रिन में कन्वर्ट होती है और फिब्रिन से ही फिब्रिनोजन बनता है। फिब्रिनोजन जब बनता है तो ब्लड का कोगुलेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। कोगुलेशन यानी कि ब्लड बाइंड होने लगता है, ब्लड शरीर में नसों में रुकने लगता है। आज हमने बात की, अगर इस चीज में कोई लेकर को अगर कोई आपको शंका समाधान हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और उसमें लिखें कि इससे क्या होता है, कैसे क्या दिक्कत है, आपको जरूर पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे फार्मा चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको दे सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।